हर्षिता की डिमांड पे टिफिन में बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो ये शेजवान का फ्राइड राइस मसाला यूज़ करूँगी। और सारी सब्जियाँ मैंने काट ली हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो मैं प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें। कढ़ाई में तेल डाल लिया है, यहाँ पे चावल बॉईल कर दिए, तो फटाफट बना रही हूँ। थोड़े से ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर्षिता की फ्रेंड बोली थी कि आंटी फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाती हैं, तो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा टिफिन लेके आना, तो इसलिए फटाफट से बना रही हूँ। देखिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं फ्राइड राइस और एकदम होटल जैसी लुक आती है और वही टेस्ट आता है खाने में। सारी सब्जियां मिलाइए, चावल डालिए और मसाला डाल दीजिए, अगर ज़रूरत लगे तो हल्का सा नमक डाल लीजिए, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो मैं हर्षिता को खाने के लिए दे देती हूँ, बाकी फिर मैं अभी टिफ़िन भी लगाऊँगी। हर्षिता लो खा लो थोड़े से गरम गरम। आज वॉक पे नहीं गई थी तो अभी जस्ट साइकिलिंग करके हटी हूँ, वहाँ से साइकिल को खींच के मैं यहाँ ले आई थी क्योंकि यहाँ एकदम ऊपर पंखा चलता है ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और ये मंदिर की साइड वाली ड्रॉर है, इसको धोना था तो मैंने आज इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये सूख भी गई है अच्छे से, तो सारा मंदिर का सामान अब इसके अंदर रखूँगी मैं। Thank you.
जब भी मैं इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ तो इतनी अच्छे से करती हूँ कि एक लॉन्ग टाइम तक दोबारा नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कपड़े से साफ करके इन बॉक्सेस को रख देंगे तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए सारी ले जाके बाथरूम में रख के अच्छे से इनको पहले धोया, सर्फ साबुन सब लगा के और फिर बहुत बढ़िया से इसको ड्राई कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मैं सामान रख रही हूँ सब इस तरीके से सेट करूँगी कि बार बार मुझे उसे नहीं हिलाना पड़ेगा। तो एक दो महीने तक आराम से काम चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी ऐसे नहीं आती। और अब वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो सारे गेट वगैरह दरवाजे खिड़की सब लगभग बंद ही रहेंगे, तो ज़्यादा धूल मिट्टी आने के भी चांसेस नहीं है कि चीज़ें जल्दी जल्दी गंदी होंगी। और धीरे धीरे मेरी आप समझ सकते हैं कि दिवाली की भी क्लीनिंग शुरू ही हो गई है। जितना भी सामान इस बड़ी वाली बास्केट में मैंने निकाल के रखा था उन सब चीज़ों को अब मैं इस तरह से सेट करूँगी कि वो अब ड्रॉर्स के अंदर जब रखा रहे तो फैला हुआ ना दिखे और ईज़ली मैं भी निकाल सकूं। और जब कभी कभी हर्षिता भी पूजा कर देती है तो उसको भी चीज़ों को ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, सब उसको सामने ही मिल जाए। यहाँ पर मैंने वो वाले कंटेनर यूज़ किए हैं, जब हम कहीं से मिठाई लेके आते हैं तो इन बॉक्सेस में आ जाती हैं, जैसे रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह या कोई भी आप मीठा लेके आते हैं मिठाई की दुकान से, तो वो वाले कंटेनर जब खाली हो जाते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उन्हें रख लेती हूँ धो के और फिर उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आपको पता है कि मैं सारे दिए लेके आती हूँ और अब ख़त्म हो गए थे तो दोबारा जब लेके आई हूँ तो अभी थैली में से निकाला है इन्हें और एक बार इनको सारे धो दूँगी उसके बाद इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी भी लगी होती है इसके अंदर। और जब ये धुलते हैं तो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब रक्षाबंधन आई थी तो कुछ ये एक्स्ट्रा राखी भी आ गई थी तो ये भी रखी हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जाती हैं। अब ड्रॉर तो सारी कंप्लीट हो गई है, तो ये जो टॉप वाला एरिया होता है यहाँ पे मैं हमेशा ऑयल की बॉटल्स रखती हूँ, तो एक बॉटल में इसमें सरसों का तेल रहता है और ये दूसरी वाली तिल के तेल की है, एक सेम बॉटल है मेरे पास, उसको अभी मुझे धोना है इसलिए अभी उसके अंदर मैंने शिफ्ट नहीं किया है तिल के तेल को, और साथ में रख दिया है गमला। क्या चाहिए? नहीं मिले? कैसी कैसी एक्टिंग करती रहती हो तुम? अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी मेरा एक कोरियर आया है जो मुझे अभी रिसीव हुआ है और मैं खोल चुकी हूँ इसे। इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप लोग मेकअप करने के शौकीन होंगे तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। मैंने मंगवाया है प्राइमर और मेरे पास था पहले ही उसका आई थिंक लैक्मे का क्या, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम मैंने उसे यूज़ किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले मेकअप नहीं करती थी। अभी थोड़ा बहुत लगाती हूँ तो थोड़ा सा स्किन पे मुझे अच्छा फील होता है। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, ये मैट फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मेकअप बेस है, तो ये बेस के लिए ही चाहिए होता है जब हम मेकअप करते हैं। तो ये दो के पैक में आया है, ये देखिए दो के पैक में आया और काफ़ी अच्छा है, एकदम रिच क्वालिटी लग रही है इसकी मुझे, तो मुझे पसंद आया। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी कुरियर मंगवाती हूँ तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं अपनी दूसरे चैनल पे डालती हूँ जिसका नाम है अनबॉक्सिंग क्वीन गीता, तो आप वहाँ जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं और हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं उधर डालती हूँ जो भी मैं परचेस करती हूँ। अभी मैं जो खुद से परचेस करती हूँ, पहले बस एक कुरियर लेके ही हटी थी, इतनी देर में एक और आ गया है और एक और आना है, वो पता नहीं आ जाएगा या कल। तो इससे मैंने एक मंगवाई है साड़ी अपने लिए,
देखती हूँ कि मुझे कैसी लगती है, पसंद आएगी कि नहीं आएगी, और सही टाइम पे आ गई है क्योंकि आज ही मैं टेलर के जाने की भी सोच रही थी, अभी तक गई नहीं थी क्योंकि मैंने एक सूट और एक मेरे पास गाउन रखा है जो बहुत पहले मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और अनस्टिच आ गया था, तो उसको भी सिलवाना है। तो देखती हूँ कि ये मैं रखूँगी इस साड़ी को या नहीं, चांसेस तो हैं रखूँगी क्योंकि मैंने अपनी बड़ी पसंद करके मंगवाई है। और खोलती हूँ इसे और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाली साड़ी आई है और ये है इसके ऊपर ब्लाउज। अब साड़ियाँ तो ले लो पर उनके साथ काम बहुत सारे होते हैं, ब्लाउज सिलवाओ, फिर इसकी फॉल पीको करवाओ, फिर कुछ मैचिंग की और चीज़ें तैयारी करो। देखते हैं क्या क्या करती हूँ। कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। इसमें कुछ पर्पल दिख रहा है आपकी साइड, बट ये ब्लू कलर है, रॉयल ब्लू, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये कलर। ब्लैक, ब्लू, वाइट, रेड, वैसे मुझे सारे अच्छे लगते हैं बट कुछ कलर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें तो देखिए इस समय तो एकदम पर्पल दिख रहा है बट ये ब्लू कलर है।